बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अपनी वीडियोस के लिए एक मोबाइल लिया है, तो मैंने कहा कि चलें आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें और आपको मैं दिखाता हूं कि मोबाइल कौन सा लिया और कैसा है। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो ये रहा जी मोबाइल, तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये इसकी लुक है, फर्स्ट लुक, और ये इसकी जो इन्होंने इसके ऊपर कीमत लिखी होती है, जो ये आप देख सकते हैं। और ये रहा जी इसका कवर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी में है, और लेदर का पाउच है। और ये रहा जी नाज़रीन फाइनल मारा मोबाइल, और ये मैंने लिया वीवो S1, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी में है। और ये पीछे इसके स्पेक्स लिखे हुए हैं, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, फिंगरप्रिंट और AI ट्रिपल कैमरा इसमें सेटअप लगा हुआ है। और ये रहा जी इसकी, ये रही जी इसकी बुकलेट, और ये आप देख सकते हैं इस बुकलेट में आपको पाउच मिल जाएगा और यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। और ये जो इसके साथ केस मिला है, और ये जेली केस है, इससे आपके मोबाइल प्रोटेक्ट रहता है। और ये फाइनल हमारा मोबाइल ये रहा, तो इसको हम निकाल देते हैं। और ये रहा इसकी लुक, देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। और ये बैक से गिलास है, इसके ऊपर गिलास का बना हुआ है। चलें इसे ऑन करने के लिए ऑन करते हैं और इसे साइड पर रखते हैं और बॉक्स के अंदर बाकी कंटेंट को देख लेते हैं। तो ये रही इसकी सिम इजेक्टर टूल, जिसके ज़रिए आप इसकी सिम वगैरह को डाल सकते हैं सिम वगैरह। और ये इसकी रही चार्जिंग केबल, जो कि फास्ट चार्जिंग केबल है। और ये इसकी वीवो की अपनी हैंड फ्री, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में होती है। और ये फाइनल इसका रहा चार्जर, जो कि 18 वाट क्विक डुअल इंजन चार्जर है, जो कि आपके फ़ोन को आसानी से 2 से 2.5 घंटे में चार्ज कर देगा, जो कि आपके फ़ोन को तेज़ी से चार्ज कर देगा। और ये रहा जी नाज़रीन हमारा मोबाइल, और ये आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट से लुक, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं इसकी, ये नीचे से एप्पल तरह इसके नोटिफिकेशन पैनल आता है। और ये इसको आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। और ये इसके पीछे बैक AI ट्रिपल कैमराज, और नीचे फ्लैश लाइट, और वीवो की ब्रांडिंग है, और ये डबल कलर है। तो चलते हैं अपने फिंगरप्रिंट सेंसर की तरफ, देखते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कैसा है और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले के अंदर है, बैक पे नहीं है और ना ही साइड पर है। इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। और ये आप देख सकते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, और ये मुझे पहली नज़र में ही बहुत क्विक लग रहा है। और इसे आप ऐसे ही इसी तरीके से रजिस्टर कर लें फिंगरप्रिंट सेंसर को, और ये बहुत ही क्विक है। तो ले जी हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया रजिस्टर। तो चलते हैं इसे टेस्ट करते हैं कि ये कैसा, इसका रिज़ल्ट कैसा है फिंगरप्रिंट सेंसर का। तो लें जी बहुत ही क्विक है, पहली ट्राई में ही बहुत क्विकली से इसने फ़ोन को अनलॉक कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा फिंगरप्रिंट सेंसर, और इसमें और भी बहुत सारे नए फीचर्स हैं कैमरे में, और इसमें और भी बहुत सारे आई प्रोटेक्शन जैसे फीचर मौजूद हैं। तो बस इतना ही आज के लिए, सिर्फ इतना ही था। तो ये थी मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो मोबाइल की।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।